नमस्कार दोस्तों, एक नए स्पेशल धार्मिक व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वक्त हम पटना में हैं और आए हैं पटना के नौबतपुर, जहां पर हमारे बागेश्वर धाम सरकार यानी श्री धर्मकृष्ण शास्त्री जी के जगह बीते 13 मई से आने वाले 17 मई तक जो है हनुमंत कथा सुनाई जा रही है। और आज है 16 मई यानी परसों हम लोग यहाँ से विदा हो लेंगे और जिस जगह पर हम अभी है उस जगह का व्लॉग मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कौन सी जगह जो है हमें निवास स्थल के रूप में मिली है। ये रहे हमारे राजा भैया जो हमारे सहयोगी तौर पर आए हैं और ये रहा हमारा बेड। हालांकि हम पहले ग्राउंड फ्लोर पे थे तो वहाँ पे बेड भी था। और चलिए बाहर का नजारा पहले हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये हॉल है, एक तरह से किचन हॉल है, यहाँ पे टीवी भी लगा हुआ है, पीछे आप देख पाइएगा। तो पीछे ये रहा आपका एक छोटा सा फैमिली किचन रूम और यहाँ पर फेस वॉश के लिए जगह बना हुआ है और तीन छोटे बड़े रूम है। और इधर देखिए ये रहा आपका फ्रिज जहाँ पे चीजें ठंडा होती है, जो भी ठंडा कर ले आप। और यहाँ पर देखिए बड़े बड़े पर्दे लगाए गए हैं और हम सोचते हैं जहाँ पे भी जाएं वहाँ की यादें अपने पास लेके जाएं, साथ लेके जाएं। और ये रहा आपका डोर, अगर दिख जाए तो ठीक है। और यहाँ पे देखिए स्पेशली इन्होंने वॉल पे जो है स्टिकर चिपकाए हुए हैं, वॉल स्टिकर जो कि इसके चार चांद लगा देते हैं उधर और ये रहा अपना बैग, ऊपर रहा सीलिंग फैन तो हर तरह की व्यवस्थाएं है और चार्जिंग के लिए यहाँ पे अच्छा ठीक है चार्जिंग बोर्ड भी है। और एक कपड़ा हम लोग दो दिन चलाते हैं, चार सीट कपड़ा था, 8 दिन चल गया और परसों जाएंगे यहाँ से। ठीक बात, क्या चलिए डन करते हैं इस ब्लॉग को, नए ब्लॉग में आपसे मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।